बिहार टोपर घोटाले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। मामले की जांच कर रही एसआईटी ने कहा कि इस घोटाले में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष लालकेश्वर प्रसाद की पत्नी भी ऐसे ही रैकेट में शामिल थी। लालकेश्वर प्रसाद की पत्नी उषा सिन्हा कोई और नहीं बल्कि जेडीयू की पूर्व विधायक हैं। उन्हें इस बार जेडीयू से टिकट नहीं मिला था। एसआईटी के छापे में लालकेश्वर प्रसाद और उषा सिन्हा के दो दलाल भी पकड़े गए थे। उनसे पूछताछ में खुलासा हुआ है कि इस रैकेट का जाल सिर्फ वैशाली के विशुन राय कॉलेज तक ही नहीं बल्कि कई और कॉलेजों तक फैला हुआ है। छापेमारी में दोनों आरोपियों के घर से संस्कृत बोर्ड की कई कॉपियां मिली हैं, जहां पहले फेल और बाद में पैसे लेकर पास कराया जाता था। उषा सिन्हा संस्कृत बोर्ड में मेंबर थी। इन दोनों आरोपियों ने उषा सिन्हा को भी रैकेट में शामिल बताया है। पटना पुलिस ने इस मामले में उषा सिन्हा को भी आरोपी बनाया है, साथ ही उनकी गिरफ्तारी की कोशिशें भी तेज कर दी हैं। इस मामले में अब तक कुल 8 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पूछताछ में ये साफ हुआ कि बच्चा राय लालकेश्वर प्रसाद सिन्हा और उषा सिन्हा का खासम खास था। NMF न्यूज की रिपोर्ट।